नमस्कार दोस्तों, रेलवे द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है एएलपी टेक्नीशियन एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि ये एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड प्रणाली पर होगा, जिसे हम सीबीटी मोड कह सकते हैं। सीबीटी मोड पे ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। दोस्तों महत्वपूर्ण तारीख ये है कि 9/8/2018 से पहला चरण शुरू होगा। कम से कम 4 चरण में ये एग्ज़ाम होगा, तो आप 9/8/2018 को पहला चरण जिन भाइयों का पड़ेगा वो तैयार हो जाएं। और साथ ही साथ दोस्तों मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, आप उस पर मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जो 26/7/2018 से स्टार्ट हो जाएगा। आप एक बार मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और दोस्तों मैं बता दूं कि इंटीमेशन ऑफ एग्ज़ाम सिटी डेट एंड सेशन ऑफ द कैंडिडेट, ये सारा 26/7/2018 से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो भाई बहन SC ST से बिलोंग करते हैं उनको ट्रेवल अथॉरिटी दिया जाएगा, मतलब कि उनको किराया दिया जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने आने का खर्च दिया जाएगा। रेलवे मंत्रालय ने ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर कहा है। और मैं बता दूं दोस्तों कि फर्स्ट स्टेप एग्ज़ाम जो होगा वो 9/8 से तो शुरू है ही, ये SC ST भाई लोग के लिए ट्रेवल अथॉरिटी भी दिया जा रहा है। दिस इज ओनली टू मेक ट्रेवल अरेंजमेंट एंड नॉट ई कॉल लेटर। डाउनलोड ई कॉल लेटर दोस्तों डाउनलोड करना है आपको 4 डे प्रियर ऑफ द डेट ऑफ CBT एग्ज़ाम। जैसे कि आपको 9 तारीख को एग्ज़ाम है तो 5 तारीख को आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना एडमिट कार्ड। और उससे आगे मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, कैंडिडेट्स में लॉग इन विथ देयर क्रेडेंशियल ऑन द एवम मेंशन डेट थ्रू द लिंक टू बी प्रोवाइड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRBs फॉर नोइंग देयर एग्जाम सिटी डेट एंड सेशन एंड डाउनलोडिंग ट्रेवल अथॉरिटी ओनली फॉर SC ST कैंडिडेट ई कॉल लेटर। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात अब यहाँ पे निकल कर आ रही है कि आपको एग्ज़ाम 60 मिनट का देना है। 60 मिनट में आपको एग्ज़ाम देना है और उसमें 75 क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। उसमें आप 75 में 75 अगर जनरल हैं तो बना कर आएँ, क्योंकि ये बहुत टफ एग्जामिनेशन होने जा रहा है, क्योंकि देश दुनिया में अभी तक इतना सारा फॉर्म नहीं भरा गया है। तो मैं आशा और विश्वास दिलाता हूँ सभी भाइयों से कि आप 75 में 75 टच करने का कोशिश करें, कम से कम 55 एवं भी बना कर आएँ, नहीं तो आपका एग्ज़ाम देना बेकार हो सकता है। दोस्तों ये PWD कैंडिडेट के लिए 80 मिनट का समय दिया जा रहा है। वे भाई बहन जो विकलांग हैं या जिन्हें कुछ अपंग हैं शरीर से, उन्हें 80 मिनट, जैसे ब्लाइंड पर्सन को 80 मिनट दिया जाएगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन है दोस्तों, ये MCQ प्रश्न आते हैं, वहीं उसी टाइप के प्रश्न रहेंगे, बस फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि ये कंप्यूटर पर आएंगे। निगेटिव मार्किंग पिछले की तरह ही 1/3 फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। तो दोस्तों अगर आपको आंसर नहीं आता है तो जल्दबाजी ना करें, पूरे इत्मीनान से बनाएं, सोच समझ कर बनाएं और सही बनाएं। 75 क्वेश्चन है तो ये ध्यान रखें कि जनरल भाई बहन जो भी हैं वो 60+ बनाएंगे तभी उनका सिलेक्शन होगा। OBC हैं तो 50+ बनाना होगा, और SC ST हैं जो हमारे प्यारे भाई बहन, वो 35-40+ बनाएंगे तो ही सिलेक्शन हो सकता है। तो देखते रहिए, बने रहिए, GRS टेक्निकल आपका प्यारा चैनल है, और भी रेलवे से जुड़े अपडेट्स लाता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका प्यारा चैनल को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश करें। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।